और किट भी नहीं खुला था आगे वाला, वो हम लोग को बनावटी बोल रहे थे। 40-50 बच्चे 40-50 पूरे फेंका गए गाड़ी से बाहर। घटना के बाद प्रशासन की नींद खुलती है, जैसा कि आप अक्सर देखते हैं। एक बार फिर एक बच्ची की जान जाने के बाद पुलिस प्रशासन की नींद खुली है और आनन फानन में पुलिस प्रशासनिक अमला अस्पताल पहुंचकर घायल 5 बच्चों का हालचाल जाना है। बताया जाता है कि 5 अन्य बच्चे जिनका उपचार जवा स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, उन्हें भी रीवा लाया जा सकता है। आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे पनवार थाना क्षेत्र के रामबाग में बस और पिकअप के बीच जोरदार टक्कर हो गई थी, जिसमें क्षमता से अधिक छात्र भरे हुए थे। घटना में एक बच्चे की मौत हो चुकी है, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि छुटपुट घायल बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। घटना की जानकारी लगते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस प्रशासनिक अमले के साथ अपर कमिश्नर छोटी सिंह संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना है। इस दौरान अपर कमिश्नर ने कहा कि घटना किन कारणों के चलते हुई है, इसकी जांच कराएंगे। वहीं आए दिन होने वाली घटनाओं को रोकने की बात भी कही है। आइए आपको दिखाते हैं अस्पताल पहुंचे प्रशासनिक अमले ने घायल छात्रों से क्या बात की है और अपर कमिश्नर ने हमें क्या जानकारी दी है। अरे हम इतनी तेज भगावट आवट है, इतना काहे के लड़का है, आराम से जी जी उतना जी मरीज जाने के लिए रास्ता छोड़ कैसे क्या हुआ था? खुद ही नहीं पता, हम लोग बात ही कर रहे थे, हम और रामबाग की लड़की एक थी और अंकल जी पता नहीं कैसे लड़ा दी उसमें, और किट भी नहीं खुला था आगे वाला, आर्या लोग को उतार के हम लोग। फिर आगे क्या हुआ, ड्राइवर कहाँ गए? ड्राइवर को हम लोग नहीं देखे, वहाँ भी पता नहीं कहाँ चले गए वो। और वो लोग वो हम लोग को बनावटी बोल रहे थे। कौन ड्राइवर? हाँ। क्या नाम था आपका? ड्राइवर भी जाजी बोलते थे। आपको क्या नाम है? भूमि सिंह। और तुमको क्या बोलते थे, पनौती हो? नहीं, हम सब लोग को आगे बैठे थे उसमें जो चलाते हैं गाड़ी से खींचते हैं उसमें लाते थे तो बोलते पनौती हो तुम लोग। कितने बच्चे थे बेटा गाड़ी? 40-50 बच्चे 40-50 बच्चे थे। पिकअप पूरे फेंका गए गाड़ी से बाहर। भाई ठीक है, तुम्हारे भाई कहाँ? पता नहीं, नहीं निकाली उसको लक्ष्य को। हाँ, वो लोग निकल के फेंका गए थे, 90 फेंका गए थे। कम क्या नाम है आपका? कई दबाव विजय सिंह का मेरा। ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये आप बस के आगे पीछे थे, क्या कैसा हुआ? मैं पिकअप के पीछे ही था। तो मात्र 20 गति दूरी पर। तो कैसे क्या हुआ? मैं भी जा रहा था, ये रीवा जा रहा था ड्यूटी में। हाँ। तो ये आ रहा था तो मुझे ये बस और ये आमने सामने इधर तो जब बैलेंसिंग उनका हुआ तो मुझे लगा कि मतलब ये भिड़ने वाले हैं। हाँ। तो मैं ब्रेक लिया बाइक का अपने। हाँ। तो ब्रेक लिया तो ये मतलब रुकते रुकते ये भिड़ गया, तो मैं गाड़ी वहाँ रोका, वहाँ पर छोड़ दिया। हाँ। और दौड़ा, फिर उसके बाद ड्राइवर को पता नहीं, मैं कंधा देकर पिकअप को और उसको उठाया। मैं सीट इधर और बच्चे गिर रहे थे इधर उधर, कोई इधर गिर रहा था कोई उधर गिर रहा, तो मैं हाथ से निकाल रहा था बच्चों को, हाथ से कंधा दिया हुआ था। तो क्या कुछ जानकारी मिली, गलती इसमें किसकी है? पिकअप वाहन की थी, इसमें पिकअप वाहन की गलती थी, ड्राइवर की गलती थी।
तिरछा कर दिया तो टाइम बच गया, लेकिन बच्चे दब गए उसमें बेचारे। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही एक जानकारी मिली थी कि 9 बजे के आसपास जो है जवा के पास में जो है एक बस का एक्सीडेंट हुआ है, छोटे बच्चों की बस थी और हेड ऑन किसी पिकअप से एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके आधार पे वहाँ से जिन बच्चों को थोड़ा चोट थी उनको हमने कोशिश ये किया था प्रशासन के माध्यम से जल्दी जो हमारे हॉस्पिटल में आ जाएँ। तो अभी 5 बच्चे जिनको थोड़ी ज़्यादा चोट लगने की स्थिति पाई गई थी वो 5 बच्चे यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, जैसा कि आपने अभी देखा ही है, और उनका 5ों का इलाज प्रॉपर शुरू हो गया है। अभी 1 घंटे के अंदर अंदर करीब जो है ये पता लग जाएगा कि किसी को फ्रैक्चर ज़्यादा है या कम है या क्या पोजीशन है। वैसे सभी बच्चे कॉन्शस हैं, सब ठीक हैं और भगवान की कृपा रहेगी सब अच्छा हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, सब स्वस्थ हो जाएंगे। पूरी हमारी तैयारी है, यहाँ पर हॉस्पिटल में हर तरीके की व्यवस्था है, कोई यहाँ समस्या इस तरीके की नहीं है, तो इलाज प्रॉपर चल रहा है। कुछ बच्चे और भी चोट लगी थी जो यहाँ पर नहीं आए हैं, यहाँ पर केवल 5 बच्चे आए हैं, 5 बच्चे इस तरीके के और भी हैं, लेकिन उनको बहुत मामूली टाइप की चोट लगी थी तो जवाब में ही उनको अस्पताल में ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। और यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है या कोई लगता है कि और ज़्यादा स्थिति खराब होगी तो हम उनको भी शिफ्ट करा लेंगे। एक बच्ची की डेथ होना अभी बताई गई है, अभी नाम क्लियर नहीं हो पाया है, तो हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि वो जानकारी हमारे पास। रीवा में आए दिन तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है, इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, प्रशासन इसके लिए क्या कवायद कर रहा है कि ऐसे हादसे दोबारा देखने को मिले? देखिए वैसे रोड सेफ्टी के संबंध में समय समय पे जो है हम लोग कार्रवाइयाँ करते रहते हैं और पिछले 4-6-8 दिन से जैसा आप कह रहे हैं कुछ घटनाएं ज़्यादा हुई हैं। अभी वर्षा ये अभी अपना जाड़े का मौसम हो गया कोहरे की स्थिति के कारण, तो अभी हम आज चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस पीरियड में रोड सेफ्टी से संबंधित और क्या क्या चीज़ें हम ऐसी कर सकते हैं जिससे कि जो कोहरे के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं उन एक्सीडेंट्स में कमी लाई जा सके। समय आ गया और स्कूल का भी समय को लेकर के भी काफ़ी, हाँ नहीं बिल्कुल ये समझ में आ रहा है। वैसे भी 4-6-8 दिन से अगर पीछे का आप स्वयं ही देख रहे हैं तो हर अल्टरनेट डे या हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट की स्थिति निर्मित हो रही है, तो इस पर अभी कैसे नियंत्रण किया जाए इसके लिए अभी चर्चा करके हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पर भी सवाल ये निशान लगते। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारी सबकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस तरीके की घटना दुर्घटना नहीं हो, पर बहुत सारी फैक्टर्स उसमें काउंट करते हैं, कोई आदमी ड्राइवर की गलती है कि किसी की गलती है कि कोई अनावश्यक तेजी से चला रहा है, तो उसको किसी एक बात से या किसी एक शब्द से कहना संभव नहीं है।